दोस्तों, इस वक्त हम अमेरिका में पीटीआई की सपोर्टर के साथ खड़े हुए हैं। तो निदा कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा, मुझे ये बताइए, हिस्ट्री इस चीज़ की गवाह है कि जब भुट्टो साहब जो है, जब उनको निकाला गया था या उनको एलिमिनेट किया गया था, तो हमारी पाकिस्तानी कौम जो थी वो घर ही बैठी हुई थी, कोई भी बाहर नहीं निकला था इस चीज़ के खिलाफ। तो क्या कहेंगी अगर इमरान खान को भी नाहल करार दे दिया जाए और उनको जेल में डाल दिया जाए, तो पीटीआई के सपोर्टर जो हैं वो क्या करेंगे? आई थिंक इट्स अ डिफाइनिंग मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। और यहाँ पे इस वक्त ये बात ही हुई कि आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो, रिगार्डलेस इफ यू आर अ पीटीआई सपोर्टर और नॉट। आई थिंक इट्स अ डिफाइनिंग मोमेंट फॉर आवर कंट्री, एंड ईच एंड एवरी सिटीजन शुड कम आउट एंड सपोर्ट इमरान खान, बिकॉज ये सही और गलत की बात है, राइट? अगर तो अभी आपने स्टैंड नहीं लिया, तो आई डोंट थिंक सो इसके बाद आप कभी यू विल बी एबल टू कॉल योरसेल्फ एन इंडिपेंडेंट नेशन, बिकॉज आपको ऐसे बाहर से अमेरिका या कोई भी आपको ऐसे रूल करता रहेगा। सो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि पीपल के जो लोग हैं उस बात को रियलाइज करें, और मेरे ख्याल से सब लोगों को निकलना चाहिए। इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन जिस तरीके से वो रैलीज कर रहे हैं और इतने माशाल्लाह लोग आ रहे हैं। So I'm sure कि अगर खुदा ना खास्ता गवर्नमेंट ऐसा कोई स्टेप लेती है, कोई ऐसी बेवकूफाना हरकत करती है कि वो इमरान खान को अरेस्ट करते हैं या इलेक्शन कमीशन उनको डिसक्वालीफाई करता है, तो आई थिंक पीपल आर डेफिनेटली गोइंग टू कम आउट। तो क्या अपील करना चाहेंगी पीटीआई के सपोर्टर से आप? मैं पीटीआई सपोर्टर्स को ही नहीं, मैं हर पाकिस्तानी को रियली वॉन्ट्स टू यू नो who loves their country and जिनको वाकई हकीकी इंडिपेंडेंस, जो इमरान खान कह रहे हैं आज़ादी की जंग, इसको कह रहे हैं हकीकी आज़ादी की जंग, तो उसके लिए आई थिंक ईच एंड एवरी पाकिस्तानी शुड कम आउट। बिकॉज देखिए, ये मुल्क सिर्फ PML नवाज या PP का नहीं है, ठीक है? दे हैव बीन रूलिंग दिस कंट्री फॉर 30 years एंड दे हैव मेड अ कंप्लीट मेस आउट ऑफ इट। सो आई थिंक इट्स हाई टाइम के लोग निकलें एंड दे शुड बी बैंड फ्रॉम द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज ये जो है इतने सालों से चलता आ रहा है, एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम वी शुड स्टॉप इट। वी शुड सपोर्ट इमरान खान ताकि आइंदा आपके दूसरों के बच्चे हैं उनको भी चांस मिले, वो भी पॉलिटिक्स में है। और ये जो खानदानी पॉलिटिक्स चलती आ रही है, आई थिंक इट शुड एंड बाय। लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तानी कौम निकलेगी? क्योंकि भुट्टो जैसा जो अजीम लीडर था, जिसके लिए लोग जो आज भी वोट देते हैं, और 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बना चुके हैं, जरदारी साहब भी प्रेसिडेंट बन चुके हैं सिर्फ उनका नाम यूज करके, उस वक्त भी लोग नहीं निकले थे, तो आपको लगता है कि हमारे लोगों में, पीटीआई के सपोर्टर में या पाकिस्तानी कौम में इतनी गैरत है कि इमरान खान साहब के लिए निकले? मुझे सर इमरान खान के पुराने इंटरव्यू की बात याद आ रही है कि लोग उनसे हमेशा पूछते थे, बिकॉज आपको पता है उन्होंने इतने साल स्ट्रगल किए और फाइनली वो जाके अब प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो उनसे जब बात पूछी जाती थी कि आप क्यों नहीं पावर में आ रहे, तो वो कहते थे कि मेरा वोटर जो है वो अभी छोटा है, और जब मेरा वोटर एलिजिबल होगा, वो वोट दे सकेगा, तब मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। एंड वी सॉ इट, राइट, कि जब वो लोग बड़े हुए हैं जिन्होंने इमरान खान को यू नो एज ए क्रिकेटर देखा है और उन सब ने यंगस्टर्स ने जाके वोट दिया है, तो आई एम प्रिटी श्योर कि लोग आएंगे और उनको सपोर्ट करेंगे। जो इमरान खान का वोटर है वो बड़ा हो चुका है, और अभी जो 30s में पॉपुलेशन आपकी जो आई थिंक 20s और 30s में 60% ऑफ पॉपुलेशन है अभी आपकी पाकिस्तान में, तो आई थिंक दे ऑल रियलाइज कि हाउ क्रूशियल द टाइम्स आर, एंड दे आर यू नो विलिंग टू फाइट फॉर देयर इंडिपेंडेंस। एंड आई एम रियली होपफुल फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, एंड आई फील लाइक पीपल आर गोइंग टू कम आउट एंड सपोर्ट। और आप अब इमरान खान को, अब तो आपको वोट के राइट्स भी मिल गए हैं, तो आपका वोट इमरान खान के लिए ही जाएगा, राइट? आई एम श्योर इंशाल्लाह, अगर वो ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट देने देते हैं, तो आई एम गोइंग टू वोट फॉर इमरान खान। एंड फैक्ट अगर पॉसिबल हुआ, अगर मैं यहाँ से नहीं दे सकी, एंड इफ इट वुड बी पॉसिबल फॉर मी, तो मैं पाकिस्तान जाके भी इमरान खान को वोट दूंगी। दोस्तों, आपने हमारी पीटीआई सपोर्टर निदा कुरैशी की बातें सुनी, और निदा जो है उनको पूरा यकीन है कि पाकिस्तानी कौम जो है वो इमरान खान के लिए निकलेगी, इमरान खान को बहाल कराएगी, इमरान खान के लिए वोट देगी। जो भुट्टो साहब के साथ हुआ वो इमरान खान के साथ नहीं होगा, ये उनका पूरा दावा है। अपने कमेंट से हमें आगाह कीजिएगा और मेरे प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, टाटा।